हेलो एवरीवन, अब हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं से अध्याय 3 रेखाखंड। हम इस पाठ में रेखाखंड के बारे में जानेंगे। देखते हैं यहाँ पे, गणित पढ़ते हुए हम आपने पहले भी कई प्रकार की आकृतियाँ देखी है, जैसे वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज इत्यादि। क्या आप अपनी कॉपी पर एक वृत्त बना सकते हैं? चित्र 1, इसमें क्या है, एक वृत्त बना हुआ है। आपके द्वारा बनाए गए वृत्त पर यदि आप पेंसिल घुमाएं तो आप पाते हैं कि जब हम कोई वृत्त बनाते हैं तो उसमें पेंसिल घुमाते हैं तो क्या क्या होता है, ये हम देखते हैं। पहला, किसी बिंदु से प्रारंभ कर आप पुनः उसी बिंदु पर पहुंच जाते हैं। जब हम वृत्त बनाते हैं तो जिस बिंदु से प्रारंभ करते हैं पुनः हम उसी बिंदु पर पहुँच जाते हैं। किसी बिंदु से प्रारंभ कर पुनः उसी बिंदु पर पहुँचने तक आपको आकृति के किसी भी भाग पर 2 बार चलना नहीं पड़ा। जब हम किसी बिंदु से प्रारंभ कर पुनः उसी बिंदु पर पहुँचे हैं तब हमें किसी भी आकृति के किसी भी भाग में हमें दोबारा चलना नहीं पड़ा है। जैसे कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ से पूरा पुनः वहीं तक आने में हम किसी भी आकृति के किसी भी भाग में दोबारा हम नहीं चले हैं। ऐसी आकृतियाँ जिनमें उपरोक्त दोनों विशेषताएँ पाई जाती है, ऐसी आकृतियाँ जिनमें ये दोनों विशेषताएँ पाई जाती है। पहली विशेषता क्या है, किसी बिंदु से प्रारंभ कर पुनः उसी बिंदु पर पहुँचना, और दूसरा है किसी भी बिंदु से प्रारंभ कर उसी बिंदु तक पहुँचने में किस आकृति के किसी भी भाग में दोबारा नहीं चलना। ये दोनों आकृतियाँ जिस दोनों विशेषताएँ जिन आकृतियों में पाई जाती है उस आकृति को क्या बोलते हैं, बंद आकृति कहते हैं। अब यहाँ पे आकृतियाँ दी हुई है जिसमें से हमें पहचाना है कि कौन सी आकृति खुली आकृति और कौन सी आकृति बंद आकृति है, और ये भी बताना है कि सीधी रेखा है या वक्र रेखा। सीधी रेखा यानी कि सरल रेखा और वक्र रेखा यानी कि टेढ़ा मेढ़ा रेखा को वक्र रेखा बोलते हैं। अब हम देखते हैं सीधी रेखा क्या है। सरल रेखा खींचना तो सभी को आता है। क्या आप बोर्ड पर एक आड़ी सरल रेखा खींच सकते हैं? यह सरल रेखा उतनी ही लंबी होगी जितनी लंबा वह बोर्ड है जिस पर आपने सरल रेखा खींची है। यानी कि सरल रेखा की लंबाई कितनी होगी, जितना हमारे बोर्ड की लंबाई है। अब मान लें कि बोर्ड की लंबाई दोगुनी बढ़ा दी जाए तो सरल रेखा भी दोगुनी बढ़ाई जा सकती है। यदि बोर्ड को आगे आगे और आगे बढ़ाते जाए तो सरल रेखा भी आगे आगे और आगे बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार हम सरल रेखा को दोनों ओर इतना बढ़ा सकते हैं कि जिसकी कोई ओर छोर ना हो। अतः सरल रेखा, अब सरल रेखा किसे कहते हैं, अतः सरल रेखा ऐसी सीधी रेखा है जिसको दोनों ओर से कितना भी बढ़ाए कभी खत्म नहीं होती। सरल रेखा क्या है, सरल रेखा वह सीधी रेखा है जिसको दोनों ओर से कितना भी बढ़ाया जाए वो कभी भी खत्म नहीं होती है। क्या आप अपनी कॉपी पर एक सरल रेखा खींच सकते हैं? यदि खींच सकते हैं तो खींचने का तरीका, और यदि नहीं खींच सकते हैं तो नहीं खींच पाने का कारण लिखिए। आपने सरल रेखा खींचने की कोशिश कर यह पाया कि हम यानी कि आप उतनी लंबी सीधी रेखा खींच सकते हैं जितनी हमारी कॉपी की लंबाई है, परंतु सरल रेखा तो ऐसी रेखा है जो कभी भी खत्म कितना भी खींचा जाए क्या है, कभी भी खत्म नहीं होगा, केवल संकेत के रूप में बताया जा सकता है। क्या आप ऐसी कोई सुझाव दे सकते हैं जिससे सरल रेखा को कॉपी में बनाया जा सके? तो आपके सुझाव इस प्रकार से बनाए हो कि संकेत का उपयोग कर सरल रेखा खींचना। संकेत का उपयोग कर सरल रेखा कैसे खींचते हैं, चित्र 12 में दिया हुआ है। यह है एक सरल रेखा और यह तीर का निशान दोनों तरफ बनना है, यह इसका संकेत है कि इस सरल रेखा को दोनों ओर से जितना भी बढ़ाया जाए कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। चित्र 12 में एक सरल रेखा खींची गई है जिसके दोनों छोर पर तीर के निशान लगे हुए हैं। दोनों तरफ तीर के निशान यह संकेत देते हैं कि सरल रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता, वह समाप्त नहीं होती है, वह चलती रहती है। इसी प्रकार यदि किसी स्थिर बिंदु से एक सीधी रेखा खींची जाए जो एक तरफ बढ़ती ही रहे और कभी भी समाप्त न हो तो इसे किरण कहते हैं। इसी प्रकार क्या है, किसी स्थिर बिंदु से एक सीधी रेखा खींची जाए जो एक ही दिशा में आगे बढ़ती जाए और वो कभी भी समाप्त न हो तो उसे कहते हैं किरण। अपनी कॉपी में किरण खींचिए तथा किरण को
खींचने का तरीका भी लिखिए। चूँकि किरण एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर आगे आगे और आगे बढ़ती जाती है, इसलिए किरण को एक तरफ से तीर के निशान लगाकर दर्शाते हैं। किरण क्या है, एक निश्चित बिंदु से, एक स्थिर बिंदु से प्रारंभ होकर एक ही दिशा में आगे बढ़ती जाती है, इसलिए किरण में क्या करते हैं, एक ही ओर तीर का निशान लगाते हैं, वो है किरण। चित्र 13, बिंदु ओ से प्रारंभ होते हुए किरण, बिंदु ओ से प्रारंभ होते हुए किरण एक तरफ निशान, मतलब कि एक ही दिशा में आगे बढ़ेगी, वो है किरण। ऐसी सीधी रेखा जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर एक ही ओर बढ़ती जाती है उसे किरण कहते हैं, इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। नीचे आपको दो बिंदु दिए गए हैं, आप पी बिंदु से गुजरने वाली कितनी सरल रेखा खींच सकते हैं, खींच कर देखिए। उसी प्रकार क्यू बिंदु से कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं, खींची जा सकती है, कुछ ऐसी रेखाएं खींचिए। तो हम बिंदु पी से कई रेखाएं खींचेंगे और बिंदु क्यूब से। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, क्या आप पी बिंदु से खींची गई सरल रेखाओं को गिन सकते हैं, तो नहीं। बिंदु पी से हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं जो गिना भी नहीं जा सकता, इसमें इतना ही बस खींचकर बताए हैं। वैसे बिंदु क्यूब से भी खींची गई सरल रेखाओं को हम नहीं गिन सकते हैं। तीसरा है, आप ऐसी कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं जो पी एवं क्यूब दोनों बिंदुओं से होकर गुजरती है। तो बिंदु पी और क्यूब से होकर गुजरने वाली सिर्फ एक ही सरल रेखा खींचे हैं, यानी कि बिंदु पी और क्यूब को मिलाने वाली सरल रेखा एक ही खींची जा सकती है। उपयुक्त क्रियाकलाप से आप यह पाते हैं कि किसी एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। क्या है, किसी एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं जिसको नहीं गिना जा सकता, परंतु दो बिंदुओं से होकर मात्र एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है, परंतु दो बिंदुओं से होकर एक मात्र ही सरल रेखा खींची जा सकती है। रेखाखंड, इस चित्र को देखें, इसे बनाने में जिन सीधी रेखाओं का उपयोग किया गया है, जाता है वे किसी एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर किसी निश्चित दूसरी निश्चित बिंदु पर समाप्त होती है। इस चित्र में क्या है, एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर किसी निश्चित दूसरी बिंदु पर समाप्त होती है, ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। इस प्रकार रेखाखंड एक सरल रेखा अथवा किरण का क्या है, एक भाग है जिसकी लंबाई को मापी जा सकती है। सरल रेखा एवं किरण की लंबाई को नहीं मापी जा सकती, पर रेखाखंड की लंबाई को मापी जा सकती है, क्योंकि रेखाखंड क्या है, सरल रेखा एवं किरण का एक भाग है। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3। प्रश्न पहला में है, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य पहचानिए। पहला, एक बिंदु से असंख्य रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, सत्य कथन। हम किसी एक बिंदु से असंख्य रेखाखंड खींच सकते हैं। दूसरा है, दो बिंदु से गुजरने वाली असंख्य सरल रेखाएं खींची जा सकती है, ये कथन असत्य है। क्यों, क्योंकि दो बिंदुओं से गुजरने वाली केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं, पर इसमें क्या बोला गया है, असंख्य रेखाखंड बोला गया है, ये कथन क्या है, असत्य कथन है। फिर है तीसरा है, रेखाखंड की केवल लंबाई होती है चौड़ाई नहीं, ये भी सत्य है, क्योंकि रेखाखंड की केवल लंबाई होती है चौड़ाई नहीं होती है, ये कथन सत्य है। फिर है चौथा है, एक रेखाखंड में यदि चार बिंदु लिए जाए तो ये सभी बिंदु संरेख बिंदु होते हैं। एक रेखाखंड में हम अगर चार बिंदु लेते हैं तो सभी बिंदु संरेख होंगे, क्योंकि वो एक रेखाखंड में है, इसलिए ये है सत्य। अब है पांचवा, तीन असंख्य असंरेख बिंदु से अधिकतम दो रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। तीन असंरेख बिंदु से हम दो से अधिक रेखाखंड खींच सकते हैं, जैसे कि तीन असंरेख एक ही रेखा में नहीं है, जैसे कि हम यहाँ पे तीन बिंदु लेते हैं तो क्या बोला गया है, दो रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, जबकि हम बिंदु वन को बिंदु दो टू से मिलाएंगे तो वन रेखाखंड हुआ, फिर टू से थ्री मिलाएंगे, फिर थ्री से वन, तो कितने रेखाखंड खींचे हैं, वन टू थ्री, और इसमें दो बोला है तो ये क्या है, पर तीन रेखाखंड हुए तो ये कथन क्या है, असत्य है। अब है, नीचे चित्र में कौन सा जोड़ा प्रतिच्छेदी रेखाओं का नहीं है। प्रतिच्छेदी रेखाओं का जोड़ा नहीं है, मतलब कि जो रेखा, जैसे कि यहाँ पे रेखा दिए गए हैं,
तीर का निशान है, मतलब ये दोनों तरफ से आगे जितना भी बढ़ाओ बढ़ाया जा सकता है। तो हम पहला में रेखा वन पहली चित्र में हम दोनों रेखाओं को दोनों तरफ से हम आगे बढ़ाएंगे। ये सीधी सरल रेखा में इसको जितना भी आगे बढ़ाया जाए ये दोनों लाइन रेखा क्या है, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, ये प्रतिच्छेदी रेखा का जोड़ा नहीं है। चित्र दो में है दोनों रेखा दिए हैं, दोनों तरफ तीर का निशान मतलब कि दोनों तरफ से आगे बढ़ा सकते हैं। ये सीधी इस तरह से बढ़ेगी और ये इस तरह से, तो हम इसको इधर से और इधर से बढ़ा सकते हैं और ये वाले रेखा को ऐसे बढ़ा सकते हैं। ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं पे जाकर ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटेगी, तो ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा का जोड़ा है, यानी कि ये प्रतिच्छेदी रेखा में आएगा। और ऐसे इसको भी हम इधर आगे बढ़ाएंगे तो ये भी दोनों रेखा एक दूसरे को किसी ना किसी बिंदु पर काटेगी, तो प्रतिच्छेदी रेखा का जोड़ा नहीं है बोला गया। तो कौन सा नहीं है, चित्र एक में जो चित्र दर्शाया गया है रेखा, वो प्रतिच्छेदी रेखा का जोड़ा नहीं है, क्योंकि इसको जितना भी आगे बढ़ाएंगे ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी।